ये भी आ गई मामा आंटी उत्ते सड़ती हूँ। मैं जा रहा हूँ कन्वोकेशन की रिहर्सल पे। ए इरजम मेरा दोस्त है वाले में। ये इरजम मिस्टर आज पहली दफा कटे जा रहा है। हाँ दूसरी दफा। अलग ये मेरे घर के साथ वाली गली में रहता है और हम पहली दफा यूनिवर्सिटी इकट्ठे जा रहे हैं। यूनिवर्सिटी तो नहीं जा रहे, यूनिवर्सिटी तो अब ख़त्म हो गई। हम जाएंगे एक्सपो सेंटर। तो अब आपसे फिर वहीं पे मुलाकात होती है। आगे आपको दिखाऊंगा रिहर्सल यूसीबी में कैसे कन्वोकेशन का सारा सीन होता है। कितना तंग पहले मैंने हाँ कितना तंग करते हैं। अभी तो गार्ड खड़े होंगे, पता नहीं क्या 10-10 चेकिंग होगी। खैर पहले मैंने अटेंड की हुई है कन्वोकेशन सीनियर्स की। मैं पहले मैनेजमेंट टीम में था अशर्स में यूसीबी, वहाँ मैंने अटेंड की थी। तो अब तो मैं एज ए स्टूडेंट जा रहा हूँ वहाँ पर, देखते हैं क्या सीन होता है। होता तो बड़ा प्रोटोकॉल सीन, गवर्नर शवर्नर भी आता है। वो आज तो नहीं आएगा लेकिन वो कल आएगा, वो 24 को जब असली कन्वोकेशन होगी। अभी तो रिहर्सल है, हमें बताएंगे किस तरह आना है, जाना है, क्या करना है सारा सीन। सो अब आपसे वहीं पर मुलाकात होती है। ये फनोजी हमें दे दिया इन्होंने, पता नहीं क्या है ये मनी हाइस्ट का बर्लिन। पहन लो यार तुम भी कैप। सो हम लोग अभी ये कन्वोकेशन भी अपनी पहुंच गए। ये यार टोपी तो बहुत दफ़ा पहन ली। हाँ कन्वोकेशन भी अपनी पहुंच गई है। फिलहाल रिहर्सल ही चल रही है हमारी। बंदा बोल रहा है पता नहीं क्या, समझ नहीं आ रही हमें क्या बोल रहा है। हम लोग अभी हमारा है ये कार्टून हमारी क्लास का, इसका नाम है मॉइज। क्या हाल है भाई, ठीक ठाक? अल्लाह का शुक्र। यार आपकी इंजीनियरिंग कैसी गुजरी है इधर 4 साल? इंजीनियरिंग बस गुजर गई है, पता नहीं कहाँ गई है, कहाँ गई है, बस गुजर गई है। इंजीनियरिंग तो की पार्टी की है बॉय। हाँ पार्टी है यूनिवर्सिटी बॉयज, ये सारे इंजीनियर खड़े हो। ये गाइस अशर्फ वाले ग्रीन गाउन में, ये ग्रीन गाउन, ये वगैरह अपने रोब जो मारे होते हैं अशर्फ वाले। इनको घर में आईडी कार्ड दे के लोग खाना देते हैं कि भाई को देखो यहाँ पे आके भाई कुर्सियाँ सेट कर रहे हैं। लोगों कह रहे हैं यहाँ ना जाओ वहाँ ना जाओ, हालांकि होंगे हमसे जूनियर ही। और रोब जो आने मिल रहे हैं बड़े खड़े होंगे। हाँ बाथरूम भी इनसे पूछ के जाओ, बाथरूम जाना है तो आप इनसे पूछ के जाओ। और रोटी खुल गई, रोटी खुली। गाइस हम लोग अभी बाहर निकले हैं रिहर्सल के बाद, ये एक्सपो सेंटर और जलालत के बाद। ख्वारी इतनी होती है यहाँ पर, ये सारे खड़े हुए हैं बेचारे बकरे ये डिग्रियाँ लेके। डिग्रियाँ अभी तो नहीं मिली, अभी तो खाली इन्होंने इन्विटेशन कार्ड दिए पेरेंट्स के लिए। गाइस ये वो टोपी है जो हमें 2000 की मिली है, जो हर यूनिवर्सिटी स्टूडेंट को पहनाती है टोपी जाती है। लोग स्टूडेंट्स को कहा जाता है जैसे ही आप पास आउट होंगे यहाँ से आप लोगों के कदम चूमें ही कंपनियाँ। और वो जो हाथ में वो डिग्री देते हैं वो बत्ती, वो असल में बत्ती होती है, वो हर स्टूडेंट को कहते हैं आपने लेनी है। और बच्चों को एक ही मेडल पहना के उतारते जा रहे थे, वो हम तो देख रहे थे पहना भी नहीं रहे थे बस तस्वीर के लिए। सो अब ये एक्सपो से हम लोग बाहर जा रहे हैं, ठंड अब थोड़ी कम हो गई है और अब वापस जाते हैं। एक गाउन पहनाया हुआ है Yeah.
ये भी आ गई मामा आंटी उत्ते सड़ती ये गाइस सारे लोकेशन से निकलने के बाद रिहर्सल हुई है आज सारे खड़े हैं एक्सपो सेंटर गाइस अब हम हॉस्टल जा रहे हैं ये टेकन 7 का मुकाबला होते हुए वैशी मुकाबला ये आप देखेंगे मेरे साथ गालिब और फखर के दरमियान ये साथ गालिब जीतते हुए फखर लूजर हारते लूजर यार ब्लॉक ही करता है मुक्का है ना तेरा ही पड़ गया ये थोड़ी सी रैली की इसको तो पड़े पड़े मारे मारने लगा था मेरा यार गलती कर दी मैं बड़ा मुक्का मार दे नाइस दोनों रेडी थे गाइस अब हम लोग घर वापस जा रहे हैं और ख्वार होने के बाद सुबह से गए हैं और अब फ्री हूँ सही ख्वारी होगी अब कल फिर दोबारा जाना है सुबह 8 बजे टाइम था लेकिन हमें जो कार्ड्स मिले इनविटेशन उस पर 10 लिखा हुआ है 10 बजे बुलाया हुआ है तो 10 बजे अब हम लोग जाएंगे वहाँ पे पहुँचेंगे मतलब 9 बजे निकलेंगे 10 बजे फिर कल हमारी कन्वोकेशन है आज तो रिहर्सल फिर अब आपसे वहाँ पर मुलाकात होगी कल वहीं भी मिलते हैं आप लोगों से तब तक के लिए हाफिज़